जय जिनेन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, अच्छे होंगे। सावन के ये शुरुआती दिन बहुत अच्छे बीत रहे होंगे। 2 जुलाई को मेरे बेटे का बर्थडे था और उसके केक में ये कार्डबोर्ड की शीट आई, तो उसको फेंका नहीं, क्योंकि हमें तो कुछ ना कुछ बनाना है, DIY करना है और फिर होम डेकोर का सामान बाहर से ना लाकर खुद ही बनाकर अपने घर को भी सजाना है ना। तो बस शुरू हो गई मैं इसके साथ। मैंने इसमें लीपन आर्ट प्लस जो शंख और सीपियाँ होती है ना, उन सबको यूज करके एक फ्यूजन बनाने की कोशिश की है। मोल्ड के लिए फेविकल का मोल्डेड आता है, बहुत ही इजी ऑप्शन है पर थोड़ा सा कॉस्टली है। जो रेगुलर लीपन आर्ट या फिर मोल्ड का कोई भी वर्क करते हैं ना, उनको थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। इसलिए जो JK की वॉल पुट्टी आती है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। उस पर थोड़ा सा पानी मिलाया और बस मोल्ड तैयार हो गया। बस पानी मिलाने का जो रेशियो है ना, वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है और बस मोल्ड तैयार हो जाता है। पुट्टी का ऑप्शन बहुत चीपर होता है, 30 रुपीज़ पर KG मुझे मिला है यहाँ पर। फ्लिपकार्ट से मैंने कुछ मिरर्स मंगवाए थे, उसी के साथ मुझे ये ग्लू का कोन भी मिला है और मैंने इसी का यूज़ किया है इसमें। इस आर्ट पीस में जितनी भी चीज़ें यूज हुई है ना, सब लगभग जीरो कॉस्ट के नाम पर ही हुई है। ये शंख और सीपी, ये पाइला की शेल, ये सब मैंने परचेस नहीं किए हैं। ये हमारी कॉलोनी में कंस्ट्रक्शन की रेत आई हुई थी और मेरे बच्चे उसी के आसपास खेल रहे थे, तो उनको अच्छी लगी और ये मेरे पास ले आए कि मम्मा ये क्या है, इनसे भी आप ज़रूर कुछ बनाना। तो मैंने उनका भी मन रखा और इसको यूज़ कर लिया। तो लिपन आर्ट और इन दोनों का यूज़ करके एक फ्यूजन बना दिया। आप देखना, ये देखने में भी बहुत ही प्यारा लगा है। इस बीच के स्पेस में कौन से डिज़ाइन बनाऊं, मैं थोड़ी सी कन्फ्यूजन में थी, तो मेरी डॉटर ने मेरी हेल्प करी। उसी ने पसंद करके बताया कि मम्मा ये गोटा पतिक वाला जो स्टार है ना, ये बहुत अच्छा लगेगा। फिर मैंने इसी को यहाँ पर बनाए। लास्ट में पॉम्पॉम से थोड़े मिरर्स को क्लीन कर लिए, क्योंकि अपने हाथ तो लगते ही है ना, इसलिए। इसको हैंग करने के लिए मैंने डबल टेप से एक छोटी सी डोरी बांधी है और बाद में इसको भी मोल्डेड से मैंने कवर कर लिया था। जो सीपियाँ और ये पाइला के शेल्स है ना, इस पर मैंने ग्लॉस लगाया है थोड़ा, ताकि थोड़ा सा ये शाइन करे और सुंदर लगे। और बस देखिए, हो गया ये तैयार। बताइएगा ज़रूर कैसा लगा। थैंक यू। जय जिनेंद्र।